हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैलेंट पैक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छे क्यूब के बारे में, जो कि ज़्यादातर वर्ल्ड रिकॉर्डर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फेलिक्स जेमजेट, सेबेस्टियन हैपनर एक्सेट्रा। फेलिक्स जेमजेट को अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ, उसने रूबिक्स क्यूब का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रखा है 4.23 सेकेंड्स, और उसने उसी क्यूब से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड कर रखा है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा क्यूब है। वो है गैन एयर 356 UM क्यूब। अब उसके हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब आज का वीडियो। गाइस, ये जो क्यूब है ये मैंने अमेजोन की तरफ से मंगाया था, और ये क्यूब ले लो कंपनी का है, जो क्योंकि ज़्यादातर जो गैन के क्यूब होते हैं वो ज़्यादातर क्यूब ले लो कंपनी से ही आते हैं। तो गाइस, अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो आता है हमारा क्यूब गैन एयर 356 UM क्यूब। ये पूरा क्यूब इसके अंदर है, इसको बाद में देखेंगे, तब तक हम देखते हैं कुछ और। गाइस, ये इसका बिल है, और गाइस इसके अंदर कुछ और भी है। अच्छा गाइस, ये है, इसको हम अगर गैन एयर को हमें सजा के रखना है तो हम इस पे रख सकते हैं। इस पे स्पीड क्यूब और क्यूब ले लो कंपनी के ज्यादातर लोगों रखे हैं, तो हम इसको देखेंगे बाद में, तब तक हम देखते हैं जो हमारा मेन गैन गैन एयर कंपनी का है ये पूरा क्यूब, और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही है मेरे को देखने में। सो गाइस, ये है हमारा गैन एयर 356 UM क्यूब, इसको देखेंगे हम। उससे पहले बाकी सब चीज़ें देख लेते हैं। इसमें सारे सीफॉप के F2L, OLL और PLL के सारे केसेस दे रखे हैं। बिगिनर और सीफॉप मेथड से सॉल्व करना भी इसमें सिखा रखा है। इस पेज को भी हम बाद में देखेंगे। सो गाइस, इसमें जो है गीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मान लो कभी अगर आपका जो है क्यूब लूज पड़ने लग जाता है तो फिर ये गीज सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि ये जो गीज होती है, जब ये हमारा क्यूब जो लूज पड़ने लग जाता है तो फिर ये उसको वापस इलास्टिसिटी पर वो देती है। तो उसमें जो है हम आपको देखते हैं कि अब कौन से सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं पर्पल वाले में सबसे कम इलास्टिसिटी है, पर्पल वाले में सबसे कम, ब्लू वाले में सबसे मिडल में, और ग्रीन वाले में सबसे ज़्यादा होती है। बाकी जो है वो हमारे पास अभी इसमें है नहीं, वो दूसरे गैंस में आती है। अभी हमारे पास ये तीन है जिनमें सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी ग्रीन वाले में है। सो गाइस, हमने अब गीज को भी देख लिया, अब आते हैं अपने क्यूब की तरफ, जो कि है हमारा मेन गैन एयर 356 UM क्यूब। UM के फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, अल्ट्रा मैग्नेटिक। सो ये अल्ट्रा मैग्नेटिक क्यूब है, इसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेट्स लगे होते हैं जिसकी वजह से ये क्यूब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो गाइस, अब देखते हैं ये क्या है। इसमें कंपनी अपनी कंपनी गैन ने अपना लोगो भी लगा रखा है। सो गाइस, ये इतना ज़्यादा स्मूथ है कि इसके मुकाबला कोई सा भी क्यूब नहीं कर सकता, इसलिए इसकी थोड़ी MRP भी ज़्यादा है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप अगर आपको बाय करना है तो आप जाके बाय कर सकते हैं। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा क्यूब है, अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कीजिए। और ये देखिए, इसको स्टैंड पे रखेंगे तो देखिए कितना अच्छा लगता है। गाइस, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।